केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश के गोपालगंज और मुकामा समेत देश के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू होगा और 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान और 6 नवंबर को मतगणना होगी। पूर्व सहकारिता मंत्री और गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुए सीट पर निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस मुद्दे पर गोपालगंज के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान की तिथि 3 नवंबर बृहस्पतिवार है, मतगणना की तिथि 6 नवंबर रविवार है और इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया पूरे कर लिए जाने की तिथि 8 नवंबर को है। आज से प्रेस नोट जारी किए जाने से ही पूरे ज़िले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जितने भी बैनर पोस्टर्स हैं हम लोग 24 घंटे के अंदर में निर्देशित कर रहे हैं संबंधितों को कि वो उसको हटा लिया जाए। इस निर्वाचन में कुल 3,36,824 मतदाता हैं और यह निर्वाचन जनवरी 2022 का जो वोटर लिस्ट है उसी के आधार पे होगा, जिसमें कि 3,36,824 वोटर में से 15 आदर्श हैं। मेल 1,70,323 हैं, फीमेल 1,66,486 हैं और ईपी रेशियो हमारा 0.56 है।